What's up everybody, this is Sagar Kamde. Welcome back to yet another video of our channel. और आज के इस वीडियो में हम जाने वाले घोघरा वाटरफॉल, वन ऑफ लेस नोन प्लेस नियर नागपुर. बहुत से लोगों को जामसावड़ी मंदिर के बारे में पता है बिकॉज वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है. घोघरा वाटरफॉल इज काइंड ऑफ लेस नोन, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते. तो मेरा भी जर्नी कुछ वैसे ही शुरू हुआ. इनिशियली आई थॉट ऑफ गोइंग टू टेम्पल, बट देन वहाँ पे जाके कुछ पता चला कि वहाँ पे एक वाटरफॉल पॉइंट भी है. सो आई थॉट ऑफ एक्सप्लोरिंग इट. सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर इट टुगेदर, यू मी टुगेदर. अगर आप इस चैनल पे नए हों तो फटाक से जाके सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, सो दैट इसके आगे के जो भी वीडियोस रहेंगे वो आप देख पाओगे. तो इस बार राइड नहीं देखेंगे आप, इस बार डायरेक्टली हम मंदिर से शुरू करते हैं. सो दैट वॉज आवर फर्स्ट लोकेशन. सो फाइनली वी आर एट द लोकेशन. और ठंड बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे लोग भी बहुत ज़्यादा है. आप देख सकते हो देयर आर अ लॉट ऑफ व्हीकल्स जो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं. हमको लगा हम जल्दी निकल रहे हैं और आरती शायद शुरू हो गई है. 6 बजे का टाइम होता है, इट्स ऑलरेडी 6:20. हमने आराम से एक घंटा डेढ़ घंटा लिया यहाँ तक पहुँचने के लिए. सो क्विकली अभी मंदिर की तरफ जाते हैं, देन लेट्स सी कि वहाँ पे क्या क्या देखने लायक है. तो अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और मास्क तो बहुत कम लोगों ने पहना हुआ है. हम तो अपना प्रिकॉशन लेके जा रहे हैं, लेट्स सी और आगे क्या क्या होता है. चलो चलते हैं. पार्किंग से मंदिर तक रास्तों पे बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स हैं और चाय पीना तो था ही, बट सोचे पहले दर्शन ले लेते हैं. बट द क्यू वॉज रियली ह्यूज और उस क्यू के अंदर लोग नारे लगा रहे थे, जय श्री राम. मंदिर में मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं था तो वहां से दर्शन लेके हम बाहर गए. तो यहाँ एक वॉल थी जहाँ पे लोग धागे बांधते थे तो हमने भी बांध दिया. सो वी आर डन विद दर्शन और हम ये साइड से नीचे आ गए. आई थिंक यहाँ पे भी और कुछ है तो लेट्स सी. ये मंदिर का नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है. गोइंग फॉरवर्ड कुछ सालों के अंदर यहाँ पे यू विल सी समथिंग. हेडिंग बैक वेयर नॉट श्योर. अभी तो फिलहाल गाड़ी की तरफ जाएंगे. बिफोर दैट विल टेक सम चाय नाश्ता. हाँ क्योंकि ठंड बहुत है भाई और शूज़ भी कलेक्ट करना है तो वहाँ से कुछ खा के विल गो अहेड. मंदिर से निकलते ही वी गॉट अ चांस टू एक्सप्लोर दोज शॉप्स. दोज वेयर फुल ऑफ कलर्स जैसे रुद्राक्ष, कलर थ्रेड्स, कुमकुम की पहाड़ी, भगवान की मूर्तियाँ एंड बहुत सारे खिलौने. प्रोबेबली अ पैराडाइज फॉर किड्स और डिओटीज. और फिर हमारी नज़र पड़ी एक फूड स्टॉल पे. भूख तो लगी थी, फिर क्या एक के बाद एक चीज़ें ऑर्डर करते गए और खाते गए. इट्स लाइक ऑर्डर एट रिपीट. वहाँ वी हैड पोहे और एक गर्मा गर्म चाय. वाइल लिविंग द स्टॉल वी कुडंट रेजिस्ट एंड पैक दोज बॉबीज फॉर अस. बचपन की यादें, यू नो. सो वी जस्ट गॉट डन विद द थिंग्स अराउंड. मंदिर हो गया, दर्शन हो गए, उसके बाद नाश्ता हो गया, चाय हो गया. नाउ आई गेस वी आर गोइंग फॉर घोघरा फॉल जो यहाँ से बहुत नज़दीक है. कितना नज़दीक है वो मुझे भी नहीं पता है. मुझे बस बताया गया है कि यहाँ से नज़दीक एक वाटरफॉल पॉइंट है. तो आई थॉट कि अगर इतने दूर आए हैं तो वाई नॉट दैट. सो चलो निकलते हैं और वो भी देखते हैं. मंदिर से निकल पड़े घोघरा वाटरफॉल पॉइंट की तरफ.
जो सिर्फ 4 किलोमीटर्स अवे था। और अभी रास्ते भी साफ है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। अनलाइक इन द मॉर्निंग इट वॉज टू डार्क। धूप भी अच्छी खासी आ गई है, ठंड कम हो गई है। वाटरफॉल पॉइंट हैज़ एंट्रेंस गेट विच मेक्स इट लुक लाइक अ गार्डन विथ अ लेक एंड लॉट ऑफ ट्रीज। सो फाइनली हियर एट द लोकेशन। अच्छा पहचाना नहीं क्या? अब तो पहचानते हो। सो वी आर हियर एट द लोकेशन। और ये पूरी लोकेशन नहीं है, इसके आगे भी है। यहाँ से पानी आता है एंड देन वहाँ पे जाके फॉल्स है। आई विल टेक यू देयर थोड़ी देर में। द प्लेस इज़ लाइक रियली ब्यूटीफुल। और हाउ आई एम सेइंग दैट, तो देखो अभी ये छोटा सा ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। एंड इफ़ यू सी प्रॉपरली ऐसे रिफ्लेक्शंस दिख रहे हैं। ये कोई जाम नदी है और उस पर ये बांध बना हुआ है एंड दैट वाटरफॉल वॉज राइट देयर। सो ये कुछ चल रहा है यहाँ पे और इट इज़ लुकिंग नाइस। प्रॉपर आप रिफ्लेक्शंस देख पाते हो और ये ऐसे चैनल्स है जहाँ से पानी रोका जा सकता है। ब्रिज टू वाटरफॉल आप चल के जा सकते हो, 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, बट फिर भी हम गाड़ी से गए। और ये कुछ चल रहा है भाई, अपने कौन सी जगह है? गोगरा वाटरफॉल। तो ये रहा वाटरफॉल। कैसा लग रहा है? ज़्यादा ही छोटा है ना? ये नहीं है मेन उधर है। सो अभी सीन कुछ ये चल रहा है कि हम लोग आए थे घोघरा वाटरफॉल और जैसे कि आप देख पा रहे हो पानी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब पानी रहता होगा इट वुड हैव बीन मच 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 बिगर वाटरफॉल। सो आई ट्राई नेक्स्ट मानसून में भी, सो दैट आप लोग को ये पता चल जाएगा कि जगह कैसी एंड ऑल दोज थिंग्स आर। So let's take a 360 of this. So you just see there is one waterfall. छोटे छोटे रास्तों से धीरे धीरे बहता पानी और ये अमेजिंग सा नजारा। Sitting on a hanging stone and looking towards the crashing water was such a beautiful and peaceful feeling, and I was really having a good time. So yeah, so we are on the location. और झुंज की तरह ये ज़्यादा loud नहीं है, loud है but it's not that loud. छोटा सा बचा हुआ है अभी, बाकी पूरी जगह खाली हो गई है, लोग बहुत आ चुके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है। बट यार द प्लेस इज़ क्वाइट नाइस। आई हैव स्पेंड लाइक हाफ एन आवर यहाँ पे, थोड़ी देर घूम सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट द प्लेस इज़ ब्यूटीफुल। आप अगर फोटोज़ लेने के हिसाब से आते हो तो इट्स रियली सिनेमैटिक, मतलब अच्छे खासे व्यूज़ आपको मिल सकता है। जस्ट ट्राई टू बी एट डिफरेंट एंगल। So again, if you are coming from Nagpur or anywhere, I suggest you should try it once.
और जगह अच्छी है यार, या इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर यू। विद दिस क्लोजिंग नोट्स वी लेव द प्लेस एंड इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो डू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही अच्छी वीडियोस में लाता रहूँगा। एंड यस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड आप क्या सोचते हो इस जगह के बारे में। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग। बाय बाय।